हर गुजरते सेकंड पूरी दुनिया में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। अगर लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया इन प्लेन से भरी दिखाई देती है, लेकिन अगर ध्यान से वर्ल्ड मैप पर देखें तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर कोई भी प्लेन नहीं दिखाई देता, या फिर प्लेन खुद उन जगहों पर जाना अवॉइड करते हैं, और शायद सच्चाई भी यही है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर प्लेन को किसी भी कंडीशन में नहीं ले जाया जा सकता, और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल गाड़ी वाला। नंबर 6 पर है तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसे टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये प्लेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट बन सकता है, जो कि चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। लेकिन अगर लाइव ट्रैकर में देखा जाए तो प्लेन इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया है जिसे पायलट अवॉइड करते हैं, और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, ऐसा करने के पीछे वजह है प्लेटू में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान में ख़त्म होते हैं। यहाँ पहाड़ों की एवरेज हाइट 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन 35,000 फीट पर उड़ते हैं। वैसे तो ये प्लेन पहाड़ों से काफ़ी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन एमरजेंसी में जैसे कि सडनली प्लेन का प्रेशर लीक होना या फिर इंजन का फेल हो जाना, ऐसी कंडीशन में प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और प्लेन का ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, और अब पायलट के पास केवल 20 मिनट्स होते हैं। पायलट को इन 20 मिनट्स में प्लेन को 35,000 फीट की हाइट से 10,000 फीट की हाइट पर लाना होता है, क्योंकि यहाँ पर खुद पहाड़ों की हाइट 14,000 फीट है, तो प्लेन को यहाँ पर 10,000 फीट की हाइट पर ला पाना नामुमकिन हो जाता है। केवल पहाड़ों की हाइट ही नहीं, बल्कि पहाड़ों से टकराती हवाएं ऊपर की तरफ जाकर प्लेन का बैलेंस डिस्टर्ब करती हैं, जो अजीब सा टर्बुलेंस बना देती है। इन्हीं वजहों से पायलट इस एरिया को अवॉइड करते हैं। नंबर 5 पर है वोल्केनो। साउथ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है टोंगा आइलैंड। जनवरी 2022 में इस टोंगा आइलैंड के पास एक अंडर वाटर वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था। इसका धुआं और एश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ये इवेंट GOES सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड किया गया था। वोल्केनो ऐश के ये बादल आसमान में 19,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ज़्यादा हाइट पर पाए जाने वाले ये ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वोल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशील्ड को आराम से तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1892 को लंदन से एक फ्लाइट न्यूजीलैंड के लिए उड़ी थी। रास्ते में ये फ्लाइट एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। ये वो टाइम था जब फ्लाइट में स्मोकिंग करना अलाउड था। क्लाउड के ऊपर से गुजरने के बाद जब फ्लाइट में धुआं भरने लगा तो पैसेंजर्स को लगा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन जब क्रू और पायलट को इस धुएं में से सल्फर की स्मेल आई तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जब तक पायलट कोई एक्शन लेते तब तक वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो चुकी थी, और जिसकी वजह से सारे इंजन बंद हो गए थे और प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोने लगा था। खुशी की बात यह है कि जब ये प्लेन 37,000 फीट की हाइट से 12,000 फीट की हाइट तक पहुंचा, तब 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो चुके थे और पायलट प्लेन को सेफली लैंड करा पाए। नंबर 4 पर है क्रेटर्स। ये क्रेटर्स देखने में जितने खौफनाक हैं, असल में ये उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास करके उनसे ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 170 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं और कुछ माइनिंग कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ रहे प्लेन को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से उड़ना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये प्लेन को अपने अंदर खींच सकते हैं। क्रेटर जितना गहरा होगा उसका बॉटम उतना ही गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम से गर्म हवा ऊपर की तरफ और बाहर की ठंडी हवा अंदर की तरफ ट्रेवल करती है। इस हवा के एक्सचेंज की वजह से क्रेटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट बनता है। ये वॉर्टेक्स इफेक्ट क्रेटर में अंदर खींचने की ताकत पैदा कर देता है और बाहर एक अजीब सा टर्बुलेंस बना देता है।
और इसी वजह से पायलट क्रेटर के ऊपर से उड़ना अवॉइड करते हैं। नंबर 3 पर है नॉर्थ कोरिया। ये दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसका एयर स्पेस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कभी भी और कहीं भी बिना बताए मिसाइल लॉन्च कर देती है। वैसे ऐसी सिचुएशन में काफ़ी दिन पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, और जो प्लेन एयर स्पेस में करीब करीब होता है उनको फायर करने से पहले रेडियो कॉन्टैक्ट के ज़रिए बता दिया जाता है। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट जिनको केवल नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो उसको बाईपास कर देते हैं। नंबर 2 पर है सऊदी अरेबिया का मक्का। सऊदी अरेबिया की सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इबादत की है। ऐसा कहा जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर से कोई प्लेन तो क्या कोई परिंदा भी नहीं गुजर सकता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। एक्चुअली में मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इसलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन बना रखा है। ऐसा करने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न है सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स होते हैं, अगर यहाँ कोई भी अनहोनी होती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दूसरा रीज़न है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, अगर यहाँ कोई प्लेन गुजरता है तो इंजन की नॉइस इको दुगनी और तिगनी हो जाएगी, जो कि मक्का में आए लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। और यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। अगर कोई एयरपोर्ट होगा तो प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम प्लेन लो एल्टीट्यूड पर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन की वजह बन सकता है। नंबर 1 पर है एरिया 51। यूएस स्टेट नवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है। एरिया 51 हमेशा से ही एक डिबेट का टॉपिक रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स पर और यूएफओ पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों से ढका ये बेस ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आता, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 को आसानी से देखा जा सकता है। और इसी चीज़ से बचने के लिए अथॉरिटी ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन बना रखा है। बाय चांस कोई प्लेन यहाँ से गुजरता है तो उसको रूट चेंज करने के लिए कहा जाता है। अगर तब भी पायलट ने बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी भी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।